चलाया जागरूक अभियान। प्राप्त जानकारी के अनुसार सॉफ्ट गोबर ड्रीम मार्ग पर बाबा कबीरा सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज में वाइल्ड एनिमल डिपार्टमेंट के अधिकारियों के द्वारा वन्य जीवों की भर्ती। आबादी के बीच वन विभाग अधिकारियों के द्वारा एक जागरूक अभियान चलाया। इस अभियान में वन विभाग के साथ कार्य कर रहे स्वयं सहायता समूह की डायरेक्टर बासु ने स्कूली बच्चों एवं वहां उपस्थित सभी लोगों को जंगली जानवरों के बारे में जानकारी दी और उन्हें बताया कि कोई भी वन्य जीव पहले से किसी पर वार नहीं करता, वह अपने बचाव के लिए वार करता है, इसलिए हमें उनसे सावधान रहना चाहिए एवं उनकी घटती हुई आबादी को संरक्षण के लिए वाइल्ड एनिमल अधिकारियों से संपर्क कर उन्हें पकड़वा देना चाहिए। इसी श्रृंखला में उन्होंने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मौतों का कारण सांप काटने को बताया। सांपों के बारे में भी उन्होंने काफी जानकारी बच्चों को दी। इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक कारिंदा सिंह गोवर्धन, नगर पंचायत चेयरमैन पंडित खेल चंद शर्मा, वाइल्ड एनिमल के क्षेत्र अधिकारी एवं बाबा कबीरा सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज के व्यवस्थापक एवं पूर्व प्रधान प्रहलाद सिंह बाबूलाल, प्रमुख सुरेश भगत एवं इंजीनियर कॉलेज का समस्त स्टाफ मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सभी को वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा माला दुपट्टा एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया एवं सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। इस मौके गौतम खंडेलवाल, समाज सेवी यशपाल सिंह, परसराम सिंह, सत्येंद्र सिंह, यादराम सिंह, नरेंद्र सिंह एवं डॉक्टर अशोक कुमार आदि उपस्थित रहे। आज ये प्रभात फेरी निकली है, इसका क्या उद्देश्य है? आज अयोध्या में जो श्री राम मंदिर निर्माण के लिए पूरा हिंदुस्तान कटिबद्ध है, उसी क्रम में गांव-गांव तक हमारा संदेश जाए और सभी की सहभागिता रहे, इस प्रयास में हम लोगों ने आज श्री राम प्रभात फेरी निकाली है। मैं नगर संचालक, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ओर से ही आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे जो सिंधु परिषद, भारतीय जनता पार्टी एवं समस्त अनुसांगिक संगठन शामिल हुए हैं और यही इसका हेतु है कि सभी का इसमें सहयोग हो, अंशदान लगे राम मंदिर निर्माण में। इस प्रयास में हम लोगों ने आज श्री राम जलूस नगर में जय हिंद।